हम जीने के लिए खा रहे हैं या मरने के लिए? पिछले कुछ समय से खाने पीने की चीजों में मिलावट देखते हुए शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। अगर आप भी मिलावटी खाने से परेशान हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए। तब तक हम आपको बताएंगे कि जिरोधा के बॉस नितिन कामत इस बारे में क्या सोचते हैं। आप भले ही शेयर बाजार से पैसा अच्छा बना रहे हो, लेकिन अपनी सेहत के साथ लापरवाही नहीं कर सकते। नितिन कामत ने जोर देकर कहा कि हमारे खाने में क्या क्या मिलावट है, इसे लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए। आप किस खाने में हाई लेवल शुगर इंटेक लेते हैं, कभी मिलावटी मसाले खाते हैं, तो कभी हार्मफुल केमिकल्स आपके अंदर जाता है। ऐसे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN के प्रस्ताव को गंभीरता से लेना चाहिए। दरअसल ये पूरी बहस तब शुरू हुई जब मिलावटी मसालों का मामला उजागर हुआ। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने हेल्दी डाइट पक्का करने के लिए एक प्रपोजल पेश किया। जिरोधा के CEO नितिन कामत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम भारतीयों को ये सवाल करने की जरूरत है कि हम जो भी चीज खाते हैं उसमें क्या होता है। जितना ज्यादा हम पूछेंगे, हमारे पास उतने ही बेहतर विकल्प होंगे। नितिन कामत का ये भी कहना है कि खाने पीने के ज्यादातर चीजों में चीनी की मात्रा काफी ज्यादा है। मसाला, दूध और प्रोटीन जैसी खाने पीने की चीजों में मिलावट होती रहती है। इतना ही नहीं, फलों और सब्जियों में भी घटिया केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है। कामत ने कहा कि ये सभी चीजें धीरे धीरे हमें मार रही हैं। ये बात पैकेज्ड फूड और रेस्टोरेंट के खाने दोनों के लिए सही है। अब आइए जान लेते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के प्रपोजल में क्या है। इस प्रपोजल में नया निर्देश पेश किया गया है, जिसका सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, कुकीज, आइसक्रीम, अनाज समेत कई चीजों के ब्रांडेड कंपनियों पर असर पड़ सकता है। इससे खाने पीने की चीजों में शुगर कंटेंट की मात्रा को लेकर जोर दिया गया है। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब बच्चों के फूड प्रोडक्ट सेरेलेक और माल्टेड ड्रिंक बॉर्नविटा में अधिक चीनी के चलते सोशल मीडिया और बाकी फोरम में इसे लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा मोटापे और शुगर के मामलों में भी काफी बढ़त देखी गई है। निर्देशों के मुताबिक शुगर की अधिकतम सीमा को एडेड शुगर से करीब 5% के बराबर और ओवरऑल शुगर से 10% पर रखा गया है। हालांकि पैकेज फूड कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि इन सिफारिशों को तभी लागू किया जा सकता है जब मौजूदा फॉर्मूलों में बदलाव होंगे। खाने पीने की कंपनियों के एतराज जताने के बावजूद हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में मोटापे और डायबिटीज के बढ़ते मुद्दों से निपटने के लिए ये गाइडलाइंस बहुत ही जरूरी है। उनका कहना है कि शुगर की अधिकतम मात्रा कितनी हो ये स्पष्ट कर दिया जाए तो पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग भी ये जान सकेंगे कि वह क्या खा पी रहे हैं। तो आप भी हेल्दी खाइए और सवाल पूछते रहिए कि आप जो खा रहे हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।